22 जनवरी का दिन भारतीय धर्म की बात करें या भारतीय राजनीति की बात करें या भारत की बात करें, बहुत ऐतिहासिक दिन हो गया है। आखिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, जो मंदिर राम का जो बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हुई, रामलला विराजमान हुए, वीआईपी लोगों को न्योता दिया गया। भारत के कुछ चुनिंदा कुछ वो लोग थे जो उस समय वहां मौजूद रहे, उनमें से एक नाम है कन्हैया मित्तल। जी हां, जिनके भजन भारत में नहीं पूरी दुनिया में गूंजे, और खासकर जब उनका लाइन थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अयोध्या में क्या उनका अनुभव रहा, अब क्या उनका आगे कोई भजन, अयोध्या के बाद क्या मथुरा के बारे, यह तमाम सवालों के जवाब आज उनसे लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया मित्तल, बहुत बहुत स्वागत है कन्हैया जी। नमस्कार, जय सियाराम। आपको मुझे याद है 2 साल पहले जब हम मिले थे, और उस टाइम आपने जो भजन गाया, और वो सवाल तो खैर आपके साथ हमेशा रहे ही हैं, लेकिन इस बार आप बताइए कि जब अयोध्या आप गए, वो जो कार्ड हाथ में था और वो चुनिंदा लोगों की गैलरी रामलला सामने थे, पहले तो वो अनुभव बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात का खंडन कर दूं कि पूरे विश्व के अंदर एक बात चल रही कि वीआईपी लोगों को बुलाया गया, जिन लोगों की कुछ लोग थे उसमें वीआईपी मैं मानता हूं, लेकिन उसमें 90% वो लोग थे जिन्होंने राम मंदिर के लिए कार्य किया, जिनकी देन है, उनको बुलाया गया। आप सुपरस्टार्स को कह सकते हैं वीआईपी लोग, हम लोग वीआईपी कैटेगरी में इसलिए नहीं आते कि हम कितने सालों से लोगों को राम के लिए जागरूक कर रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए बनना चाहिए। तो अगर हम किसी चीज के लिए बात कर रहे हैं तो उस चीज का न्योता अगर हमें आ रहा है तो हमें एक तरह से वीआईपी कटघरे में डाल के एक अनजान नहीं कर देना चाहिए, प्रभु के चरणों से दूर नहीं करना चाहिए। मेरी ये मन की विडंबना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश को बता दूं। दूसरी चीज कि इतने वर्षों के बाद हमारे रामलला महलों में आए, वहां कोई ऐसा व्यक्ति, कोई पत्थर, कोई जानवर, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका मन ना भर गया हो जब पहला दर्शन पर्दा हटा और रामलला के हमें हुए, मानो धरती थम सी गई। एक काला नहीं संभलता था हमसे बांके बिहारी, हमें एक काला और मिल गया, हमारे अयोध्या वाले राम जी। और ये भाव है, 5 साल के रामलला आए हैं, 4 फुट 3 इंच की मूर्ति है, और क्या सौंदर्य है उस रूप का। इवन कि जिन्होंने मूर्ति बनाई है, अर्जुन जिन्होंने मूर्ति बनाई है कर्नाटक जी, कर्नाटक के हैं, उन्होंने खुद कहा कि मैंने जो मूर्ति बनाई वो तो ये रही नहीं, मैंने तो मूर्ति बनाई थी, अब तो ये हंसती भी है, बोलती भी है, बनने के बाद, लगने के बाद प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं इसमें। और वो अनुभव उस समय का आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री, पहला शब्द राम आ गए, दिलों को झंझोड़ने वाला, आंखों को नम करने वाला वो शब्द था। और वो प्रधानमंत्री जिनको 3 दिन के लिए उपवास के लिए कहा गया, और वो 11 दिन का उपवास उन्होंने किया, और जब उन्होंने संत से कहा कि मुझे आप चरणामृत अपने हाथ से मेरे मुख में दे दीजिए, मानो उनकी माता श्री हीराबेन उन संत में आ गई, और एक वात्सल्य माँ का उनके हाथ से उनको जल दिया गया। 11 दिन बाद उन्होंने चरणामृत ग्रहण किया, और चरणामृत जो देना था दही और शहद का, उसकी जगह उन्होंने कहा कि जो राम जी का चरणामृत है मुझे वो दिया जाए। मैं देख रहा था रील में कि साधुरी तंबरा आंसू नहीं रोक पा रही थी, कोई नहीं रोक पा रहा, मैं आधा घंटा तक रोता रहा साहब। मेरे पड़ोस में जो बैठा थे वो बोले बस करो भाई, पूरी सरयू जी बहा दोगे क्या, मुझे याद है। और कोई ऐसा शख्स नहीं था जो नहीं रो रहा था। और रितांबरा जी, ये लोग वो हैं जिन्होंने, जिनके लिए तो समझो कि उनकी उम्र लग गई इस फैसले के लिए, इतनी उन्होंने उत्पीड़नाएं सही, जेल भी गए, लाठी भी खाई, उन लोगों के लिए तो आप ये समझिए कि पुनर्जन्म हो गया है, सनातन का पुनर्जन्म हो गया है 22 जनवरी का दिन। समारोह खत्म हुआ, रामलला विराजमान हो गए, एक एक आदमी वहां आम था, चलिए हम वीआईपी नहीं कहते, लेकिन एक एक आदमी वहां आम हो गया रामलला के सामने। कितनी देर आप घूमे, देखा आपने, और अश्रुधारा तो आप कह रहे जब आधा घंटा हो रहे, मुझे लगता है कि आप उसके बाद भी शायद आपके आंसू नहीं रुक रहे होंगे, कई लोग ऐसे भी थे। हम आज भी याद करते हैं ना तो मन भर जाता है, और मेरे लिए 22 जनवरी का दिन वो हो गया है कि जीवन में कभी मुझे भगवान से जुड़कर कुछ देर बैठना होगा, उठना होगा दिन में भी, तो मैं 22 जनवरी का वो समय याद कर लूं, तो मैं उसी समय भगवान से जुड़ जाऊंगा। एक योग साधना करके आए हम 22 जनवरी का दिन, कि जिससे एक दीप जला है हमारे अंदर, बाहर का दीप जले ना जले, अंदर का दीप जलाना है, अंदर के दीप को जला करके वहां राम बिठाना है। कोई ऐसा अनुभव जो
आप कहते ना कि हर कुछ चीज मीडिया में नहीं आती, लेकिन वो अनुभव ऐसा था कि जो आपको लगा हो कि मुझे शेयर करना चाहिए, आप अपने परिवार में शेयर किया हो, कोई ऐसा अच्छा अनुभव, कुछ खास अलग से चीज आपको लगी? मैं यहां से भैया खड़ाऊ लेकर गया था चांदी के, चंडीगढ़ से, और मैंने 14 तारीख को चप्पल पहननी बंद कर दी थी जब से मेरे हाथ में वो खड़ा हुआ है, और मैंने पूरे शहर का उसको लगभग स्पर्श करवाया कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मैं पूरे शहर को अपने साथ लेके जा रहा हूं। तो 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक मैंने चप्पल नहीं पहनी, जूता नहीं पहना, मैं ठंड में ऐसे चल रहा था। 18 तारीख को मैं जब अयोध्या जी पहुंचा तो मेरे हाथ में वो खड़ाऊ थे, और टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ठंड नहीं लग रही थी, बिल्कुल नहीं लग रही थी जब तक मैं वो खड़ाऊ हाथ में लेकर चल रहा था। माननीय चंपत राय जी मुझे वहां मिले, महासचिव जी जिन्होंने पूरे मंदिर की ट्रस्ट की, तो मैंने उनसे अनुभव शेयर किया कि मैंने ऐसे ऐसे किया और ये मैं खड़ाऊ लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं इसको भी उसी खजाने में ग्रहण किया जाए। तो उन्होंने वो सहर्ष ग्रहण किया, आप यकीन मानिएगा जैसे उन्होंने खड़ाऊ मेरे हाथ से लिए मुझे ठंड लगने लग गई, मुझे महसूस होने लग गया कि मेरे पांव नंगे, मेरे पास जूता नहीं है, और 4 दिन तक मैं ठंड में खड़ा के घूम रहा था लेकिन मुझे महसूस ही नहीं हो रहा था कि मेरे पांव में जूता है कि नहीं। ये एक्सपीरियंस अध्यात्म में ही हो सकता है, ये शक्ति है राम की, जन जन के राम आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए हैं, ये किसी हिंदू के राम तो नहीं आए साहब, ये भारत के राम आए हैं, ये भारत के राम। कुछ हो जाए, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो, अयोध्या के राजा। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको वो दृश्य देखने को मिला। अब रामलला आ गए हैं, अब आपका तो भजन में मैं आपकी आंखें बिल्कुल देख रहा हूं भर जाती है नेचुरली उस इंसान की, अब आगे एक मथुरा की बात होने लग गई है। पहले हम कहते थे रामलला हम आएंगे, हाँ, मंदिर वहीं बनाएंगे, हाँ, अब हम कहते हैं रामलला हम आएंगे, वहां से मथुरा जाएंगे, कृष्ण भी तैयार है। आप देखिए तस्वीर में कन्हैया आज माखन के लिए अपनी माँ को नहीं कह रहे हैं, आज के युग में कन्हैया अपनी माँ को कह रहे हैं कि राम जी ने बना लिया मेरा भी बनवा दो, माखन तो खा लिया जितना खाना था। एक सवाल तो सबकी जहन में था कि जब वो मूर्ति देखी सांवल रंग है ना, तो कईयों ने कहा कि राम जी के तो हम फोटो में देखते थे कल अच्छा रंग था, ये सांवल रंग क्यों, श्याम वर्ण क्यों, काला रंग क्यों, उसको लेकर, क्योंकि आप इसी से जुड़े हुए हैं। हाँ नहीं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका व्याख्यान किया है कि उनका रंग कैसा है, जब सीता माता ने देखा उनको तब सांवल की ही बात आई है, इसीलिए उनका रंग जो है सांवला रखा गया है। अच्छा, जब वो पैदा हुए? नहीं नहीं नहीं, जब देखा उनको, जब सीता माता ने राम जी को देखा, हाँ, तो सांवला देखा। अच्छा, हाँ, इसलिए उनको सांवले के नाम से ही सांवला देखा जाता है। तो ये वात्सल्य रूप जो उनका है, ये वात्सल्य रूप उनका दिखाया गया है। कन्हैया जी, यार आपकी जब बात हो, आप खुलेआम जिस तरह से भगवे की आपने बात की, या आपके कई बार विवाद भी बहुत सामने आते हैं, चाहे वो मास्टर सलीम को लेकर हो या तमाम हो, क्या कन्हैया मतलब राम आ गए हैं और राम सबके हैं? मैंने सलीम से भी बात की, वो कहते राम सबके हैं, मैं कट्टर सनातनी भजन गाया उन्होंने, मैं भी यही कहता हूं राम सबके हैं। अब ज्ञानवापी का फैसला आ रहा है, आप देख रहे होंगे मीडिया में, यहां पर टैटू बनाया ना भोलेनाथ का, उन्होंने खुल के बोले कि मस्जिद के अंदर भोलेनाथ के अवशेष मिले हैं, हटाओ मस्जिद बनाओ मंदिर, क्यों नहीं बोलते? हमारा कहना यह नहीं है कि आप राम नहीं गा सकते या मैं राम गा सकता हूं, हमारा कहना यह है कि अगर आप राम के नाम से पैसा ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, इज्जत ले रहे हैं, शौहरत ले रहे हैं, तो उस राम के लिए क्या कर रहे हो? आज हम सरेआम कहते हैं जहां जैसा था सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की, मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की, इतिहास औरंगजेबों का हर पन्ना खोल दिखाएंगे जहां हमारे शिव निकले, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, बोले ना, क्यों नहीं करते? कट्टरता की बात, भगवे के रंग में अगर रहते हो तो भगवे का साथ भी तो दो। हम कहते हैं कि आज अयोध्या में राम मंदिर बना है, उन्हीं के बगल में मस्जिद भी बनने वाली बहुत बड़ी, हमें बधाई दे रहे, हम भी उस दिन बधाई देंगे जिस दिन मस्जिद बनेगी,
हम कब कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हारा बटा हुआ है या हमारा राम बटा हुआ है? ऐसा कोई चीज बटी नहीं। मेरा ये कहना है, अगर आप पत्रकारिता कर रहे हो और किसी आपके पत्रकार भाई को कोई तकलीफ है तो आप पत्रकारिता के साथ उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? अगर मेरे राम को तकलीफ है, मेरे भोलेनाथ को तकलीफ है और मैं भोले का भजन करता हूं, तो क्या मैं भोले के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, सिर्फ पैसा कमाऊंगा? नहीं, पर ये तो है ना कि आखिर क्यों सिर्फ इस तरह की बातें? उनका कहना कि ठीक है, आप समाज में इससे कहीं ना कहीं एक भाईचारे को कहीं ना कहीं चीज पहुंचते, जब कोई कट्टरता में चीज चली जाती है। नहीं, 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 इसमें भाईचारे की कोई वो इसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात तो वो वैसे ही, आप अगर सलीम जी की बात करते हो तो पटियाला में कोई पंडित जी है, उन्होंने कहा ये तो हिंदू ही थे, तो अब हिंदू ही है तो फिर अब उनकी तो बात ही खत्म हो गई, मुसलमान रहे नहीं जब वो सच्चाई पता लग गई है। आपकी बात हुई उसके बाद सलीम से? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मैं प्रणाम करता हूँ आपके जरिए उनको और वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे। और भजन तो गा दिया ना कि मैं धर्म सनातन सबसे उत्तम डंके की चोट पे कहता हूँ, तो इतने सालों में कहाँ थे, इतने साल हो गए, उन्हें 36 साल हो गए गाते हुए। पर माता की भेंटे तो काफी सालों से गा रहे बचपन से, तो धर्म सनातन की बात, जय श्री राम का भी नारा उसी में आता है। कभी आते लोगों की भावना की बात करते, अयोध्या राम मंदिर की बात करते। मैं ये नहीं कह रहा कि वो व्यक्ति गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आदमी गलत है, मैं सिर्फ इतनी सी, ये हिंदुओं से भी है मेरी बात, ये सिर्फ मुसलमानों से नहीं है या किसी और से नहीं है, जो हिंदू भजन गायक है उनसे भी है कि भाई तुम क्यों नहीं करते, खुलेआम क्यों नहीं कहते? जब मेरे खाटू श्याम जी को मैं मानता हूं और अगर खाटू श्याम जी के मंदिर को लेकर कोई दिक्कत आएगी तो मैं बैठूंगा ना चौक पे, सरेआम बोलूंगा लोगों को, अयोध्या राम मंदिर के लिए बोल रहा हूं, ज्ञानवापी के लिए बोल रहा हूं, मथुरा के लिए बोल रहा हूं। ये लोग क्यों नहीं बोलते, हिंदू क्यों नहीं बोलता कि हमें भी मथुरा बनाना है, भजन तो गाना है लेकिन मथुरा की बात नहीं करनी, ज्ञानवापी की बात नहीं करनी? मेरा हिंदुओं से भी ये सवाल है, सिर्फ मुसलमानों से थोड़ी ना है, मैं हर किसी से सवाल कर रहा हूं। लेकिन उसको घुमाया गया लाइमलाइट में आने के लिए कि कैसे इस चीज से जुड़ा जाए, लाइमलाइट में आया जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य धूमल हो सकता है, रुक सकता है, पराजित नहीं हो सकता, इसीलिए भगवे के रंग में गाना पड़ा। अच्छा, अयोध्या में हमने देखा कि सिख धर्म के लोग पहुंचे, लंगर लगाए गए वहां पर, लेकिन एक सवाल पंजाब में भी उठा कि गुरबाणी में राम नाम का जिक्र है, कोई कहता है कि वो राम नहीं है जो जिक्र का जिक्र है, दशरथ पुत्र राम का जिक्र है, तमाम सवाल हुए। माहौल की आप बात करें, आप वहां रहे, आपने देखा, कहते ना हिंदू सिख का रिश्ता तो नौ और मास का कहा जाता है, तो आपको वहां पे क्या भाव लगे? किसी को कुछ याद ही नहीं था वहां, सबको यही था कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, ना हिंदू याद था, ना मुसलमान याद था, ना सिख याद था, ना क्रिश्चियन याद था, वहां तो सब राम के थे और राम ही थे, राम ही है, बस राम ही रहेंगे, वहां तो ऐसा माहौल था। आपके आसपास कौन कौन लोग बैठे हुए? मेरे आसपास सारे संत थे, देश के अच्छा। प्रमुख संत थे और मेरी आगे की लाइन में हमारे अनुपम खेर जी थे और सारे सेलिब्रिटीज थे, सबसे बातचीत राम राम नमस्कार हुई। मेरे पीछे एक शख्स बैठे थे, मैं बताऊं देखो क्या है, किन लोगों को इनवाइट, जो वीआईपी बोला जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं कि कौन लोग थे। मेरे पीछे एक शख्स बैठे थे, तो मेरे साथ लोग फोटोज वगैरह खींच पा रहे थे, वो मुझे नहीं जानते थे, तो उन्होंने मुझे पूछा, महाराष्ट्र के थे वो, सर आप कौन है, ये लोग इतनी फोटो खींच रहे हैं, आप अपना परिचय। तो मैंने कहा मैंने एक छोटा सा भजन गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और ये सब। अरे अरे आपने वो भजन गाया था? तो वो खड़े हो गए, एक फोटो फिर उन्होंने भी ली। तो मैंने उनसे पूछा, भाई साहब अगर आप बुरा ना माने तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या सेटिंग थी जो आप यहां बैठे हो, अच्छा। आपको इनविटेशन आया है, आपकी कोई सेटिंग थी क्या, या आपने किसी को कुछ कहा कि मुझे बुलाओ या ना बुलाओ? बोला साहब कैसी बातें करते हैं, मेरे पिताजी जब गोली चली थी यहां 92 में, यहां के SP थे, और जब उनको दोबारा गोली चलाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन कार सेवकों पे गोली नहीं चलाऊंगा। उसके बाद वो सांसद बने, सांसद रहे। मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो सांसद थे, मुझे इसलिए बुलाया गया कि अब तो वो है नहीं, लेकिन वो शख्स था जिसने राम सेवकों पे गोली नहीं चलाई, मुझे इसलिए इनविटेशन आया। ऐसे ऐसे लोग भरे हुए थे। राम शरद की बहन, कुठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा जी आई हुई थी, कुठारी बंधुओं का जिक्र तो खैर, राम और शरद 20 और 22 साल के लड़के कलकत्ता से आए, दोनों की गोली लग गई। डेड बॉडी के लिए जब फोन किया ना कलकत्ता कि ले आए क्या, तो उन्होंने कहा राम के पास भेजे थे, इनको वहीं राम के चरणों में ही समर्पित कर दो। वो लोग जो आज निमंत्रण आने पर भी नहीं आए, वहां बोर्ड लगे थे कुठारी बंधुओं के कि
हम कहीं गए नहीं, हम यहीं हैं, आपका स्वागत करते हैं। भावनाओं को समझिए, धर्म राजनीति के लिए धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन धर्म को बचाने के लिए राजनीति तो भगवान श्री कृष्ण ने भी करेंगे। जब जब धर्म को हानि होगी तो इसी प्रकार की पार्टियां बनेंगी और राम को पुनः स्थापित किया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे खत्म करने? बस यही कहना चाहूंगा, गुनगुना करें। कोई 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 अगर कंट्रोवर्सी चाहता हो तो बस एक बार राम जी के दर्शन कराए, वो राममय हो जाएगा, वो कंट्रोवर्सी भूल जाएगा। और गुनगुना कर बस यही कहना चाहूंगा, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। एक लाइन वो जो शुरुआत आपने कहां की थी कि भगवा, उसके बिना तो अगर मैं कहूं अधूरा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, ओ भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, घनश्याम कृपा कर दो ओ मथुरा भी सजाएंगे। बहुत शुक्रिया कन्हैया जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थे कन्हैया मित्तल, अयोध्या का जो अनुभव वो साझा किया और बताया कि खाली वीआईपी नहीं, वहां पर ऐसे आम लोग भी थे जिन्हें इनवाइट किया गया था, जो शायद लोग जानते भी नहीं थे तमाम बातें की। लेकिन एक बार फिर से दोहराया कि कंट्रोवर्सी चाहे जो भी हो, लेकिन जो राम नाम है वो आखिर सिद्ध हुआ और रामलला विराजमान हो गए। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 चंडीगढ़।